किया। हम लोग हमेशा मुख्यमंत्री जी का जिंदाबाद का नारा लगाते थे, आज बहुत दुख के साथ हम लोग उनका मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। लातेहार जिला में कंपनी कमांडर प्रकाश रंजन, जिसने होमगार्ड जवान को ड्यूटी देने के लिए किडनी बेच कर पैसा लाने को कहा। एक महीना एक कमान में चार ही महीना का ड्यूटी मिलता है, तो फिर ये ऐसे में हम बाकी महिलाएं रोड में भटकते हैं, तो फिर ऐसे में कोई हरिया बेचता है, कोई सब्जी बेचता है, तो ऐसे मजबूरन परिवार को चलाना पड़ता है, तो बहुत दिक्कत होता है लेडीजों को। सरकार तो बोल देते हैं अभी जो बहाली करवा रहे हैं हर जिला में, क्या जवान नहीं है उनको बैठा के बहाली करवाना क्या सही है? हर जगह रोका गया है, जमशेदपुर में तो और रोक दिया गया है, ठीक है, बंदी बना लिया गया है वहाँ पे। आप देख सकते हैं चिलचिलाती धूप है, महिला एक तरीके से पूरी महिला समाज भी यहाँ पर उतर चुकी है, सब छाता ले लेकर आई है, धूप इतनी है, चिलचिलाती धूप है, सर से पसीना टपक रहा है, तो भी महिलाएं अपने मांग को भी लेकर आगे बढ़ रही है। कुछ महिलाओं से बातचीत करेंगे। मैम आप एक महिला है और यहाँ पर आई है, क्या कुछ कहिएगी? हम लोग चाहते हैं हमारे समाज में पैदा मिले और ड्यूटी हमें सब मिले, और इतना ड्यूटी हमें छोड़ छोड़ के मिलता है, हम यही कहना चाहते हैं। लगातार आप लोग बोल रहे हैं बंद सरकार हाँ है, क्यों ऐसा मतलब समान कर का समान वेतन दीजिए, बाल बच्चा मेरा भूखा ये हो रहा है, पढ़ाई लिखाई जा रहा है नुकसान, तो समान कर का समान वेतन मिलेगा तब तो बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई होगा। कहा जा रहा है कि आने राज्य में होमगार्ड का वेतन बढ़ा हुआ है, पर आप लोग नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अब सरकार करेंगे तभी ना, झारखंड सरकार करेंगे तभी ना होगा। हमने कहा से वादा किया गया था शुरू में हेमंत सरकार से कि आप लोगों को समाज सारे सुविधा दिया जाएगा, पुलिस के समक्ष नियमित ड्यूटी दिया जाएगा, लेकिन किसी तरह तो नहीं कुछ नहीं दिया गया, कुछ नहीं सुनती है सर। नहीं, आज 3 साल से ऊपर हो गया है, और धरना में भी हम 36 दिन रहे थे वहाँ पर रांची में विधानसभा समक्ष, इसके बाद बोला था कि आप लोगों को 2 महीने अंदर काम हो जाएगा, अभी तक किसी तरह कुछ नहीं सुनवाई किया गया। सरकार लगातार आपकी बात नहीं सुन, नहीं कुछ नहीं सुन रही, तो आगे क्या कीजिएगा अगर लगे सरकार नहीं सुन रही? आगे हम लोग रोड जाम करेंगे, चक्का जाम, आज के तो नहीं लगा, नेक्स्ट बार में रोड जाम चक्का जाम सब करेंगे। जब हम लोगों को नहीं किएंगे तो इनको भी हम लोग चेंज कर देंगे, 24 मिनट को दिखा देंगे कि होमगार्ड क्या चीज है, 2024 का चुनाव इनको दिखा देंगे कि होमगार्ड में क्या ताकत है, इनको खुद समझ में आ जाएगा कि होमगार्ड क्या चीज है। सरकार बने करीब 3 वर्ष हो चुका है, परंतु मुख्यमंत्री जी ने अपने वादे पर अमल नहीं किया। हम लोग हमेशा मुख्यमंत्री जी का जिंदाबाद का नारा लगाते थे, आज बहुत दुख के साथ हम लोग उनका मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। आज ये चेतावनी रैली है, अगर इस रैली के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने होमगार्ड जवानों से किया वादा पूरा नहीं किया तो 2 महीने के बाद होमगार्ड जवान निश्चित कार्य हटा दिया जाएगा। क्या मांग की और क्या वादे थे बताइए? माननीय मुख्यमंत्री जी का वादा था कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं होमगार्ड जवान को नियमित ड्यूटी दे दूंगा, होमगार्ड जवानों को समान का समान वेतन दूंगा, होमगार्ड जवान में को ड्यूटी देने के नाम पर जो रिश्वतखोरी होती है उस रिश्वतखोरी को बंद कर दूंगा। यहाँ मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ, लातेहार जिला में कंपनी कमांडर प्रकाश रंजन, जिसने होमगार्ड जवान को ड्यूटी देने के लिए किडनी बेचकर पैसा लाने को कहा, तो ये सोचनीय बात है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि आपके कंपनी कमांडर किडनी बेच के पैसा मांग रहे हैं, नहीं फिर भी उस कंपनी कमांडर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग सरकार से यही मांग करने आए हैं कि हम लोग एक शुरू से ही धारणा शांतिपूर्ण करते आए हैं, हम एक अनुशासन फोर्स हैं, इस नाते हम लोग मुरावादी मैदान से यहाँ तक हम लोग शांतिपूर्ण नारा लगाते हुए ही आए हैं, और हमारा विशेष मांग है कि हम लोगों को नियमित ड्यूटी दें और ये सरकार कोर्ट से जो हम जीत गए हैं उसको लागू करें। और इस ये मांग में हमारा और भी एक दो मांग है, इस मांग में है कि समान वेतन का समान समान काम का समान वेतन, क्योंकि हम हमारे लिए ड्यूटी एक महीना एक कमान में चार ही महीना का ड्यूटी मिलता है, तो फिर ये ऐसे में हम बाकी महिलाएं रोड में भटकते हैं, तो फिर ऐसे में कोई हरिया बेचता है, कोई सब्जी बेचता है, तो ऐसे मजबूरन परिवार को चलाना पड़ता है, तो बहुत दिक्कत होता है लेडीजों को, और ड्यूटी के लिए भी यहाँ वहाँ कहीं अंदाजी जगह में दे देता है तो भी बहुत दिक्कत होता है। तो सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों को बस नियमित ड्यूटी दें। एक तरफ सरकार कहती है कि हम महिलाओं को नौकरी नहीं, और यहाँ पे इस तरीके का व्यवहार किया जाता है, क्या सिर्फ बोलती है करती नहीं है? सिर्फ बोलती हैं, सरकार तो बोल देते हैं अभी जो बहाली करवा रहे हैं हर जिला में, क्या जवान नहीं है उनको बैठा के बहाली करवाना क्या सही है? ये सरकार से पूछना चाहेंगे, आप लोग पूछिए इस चीज़ को कि हर जिला में अवेलेबल है फिर भी बहाली है, किस लिए? बैठाने के लिए, क्या फ़ायदा बहाली करा करके, इससे तो अच्छा बहाली ना कराएं। मैम आप लोग वर्दी में नहीं आए, सिविल में आए, कहा जा रहा है कि आप लोगों को रोका जा रहा है, क्या ये बात? रोका जा रहा था, हर जगह रोका गया है, जमशेदपुर में तो और रोक दिया गया है, ठीक है, बंदी बना लिया गया है वहाँ पे, इसलिए हम लोग को सिविल में आना पड़ा, जगह जगह पे फोर्स लगाया गया है हम लोग को रोकने के लिए।
मतलब सरकार आपको आंदोलन करने से भी रोक रही है? हाँ, शांतिपूर्वक आंदोलन के लिए भी रोका जा रहा है हम लोग को। जनरेशन एक्स शिक्षा समाधान पिछले 15 सालों से करियर काउंसलिंग के फील्ड में कार्यरत है और इन 15 सालों का सफर आपके प्यार और आपके सहयोग की वजह से ही सफलतापूर्वक चल पड़ा है। तो इसके लिए तमाम विद्यार्थी और अभिभावकों का बहुत बहुत धन्यवाद। 2023 सेशन में भी जनरेशन एक्स शिक्षा समाधान के कार्यालयों में विद्यार्थियों के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, मैनेजमेंट, बीएड, पॉलिटेक्निक, जीएनएम, बीएससी जैसे जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनमें करियर अपॉर्चुनिटीज है, इसमें करियर काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो हमारे ऑफिसर्स के बारे में जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन को खत्म होने के बाद फ्री करियर काउंसलिंग सेशन को ज्वाइन करके सही कॉलेज और सही कोर्स का चुनाव कर सकते हैं। धन्यवाद।